एजुकेशन टूर पर वंडर आइलैंड ले जा रहा है। 5000 साल पहले वहाँ एक पूरी सिविलाइजेशन थी। वन वर्ड में कहे तो वाओ। और सबसे एक्साइटिंग बात ये है कि हम सब पहली बार एक साथ हवाई सफर करेंगे। बिल्कुल, ये सबसे से भी ज्यादा सबसे एक्साइटिंग है। इस बात पर एक्साइटिंग कैंडी खा लेता हूँ। जल्दी चलो, मुझे प्लेन में सबसे आगे की सीट पर बैठना है। और कोई ऑलरेडी बैठ गया हो तो उसे उठाना है। मसालों के नाम धनिया हल्दी है। टोनी बॉस को सीट पकड़ने की जल्दी है। सुनो भाई टुनटुना। बोलो भाई झुनझुना। जरा संभल कर, हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना प्लान फ्लॉप हो जाएगा। अरे चिंता मत करो झुनझुना भाई, हमारे संगीत के साजों को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। गेम ऑन। अब कीको के साथ गेम ऑन करें और एक्साइटिंग पावर मोड गेन करें। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया सेम, तो डाउनलोड करें गेम गूगल प्ले पर उपलब्ध। देख कर नहीं चल सकते? एक तो टक्कर मारते हो, ऊपर से तेवर भी दिखाते हो। और मुक्का भी दिखाता हूँ। टोनी से पंगा मत लेना, क्योंकि टोनी का मुक्का यानी मेरे फ्रेंड टोनी की तरफ से मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। ये लीजिए आपका गिटार। थैंक यू। अगर ये गिटार टूट जाता तो हमारा सारा प्लान फ्लॉप हो जाता। प्लान? कैसा प्लान? आप सबको एंटरटेन करने का प्लान है ना टुनटुना? ऐसा प्लान था हमारा? मुझे तो लगा कि हमें एयरप्लेन को था। तुम भूल क्यों जाते हो भाई टुनटुना? प्लेन में हमें एंटरटेनमेंट प्रोग्राम करना है। आपके एंटरटेनमेंट प्रोग्राम का इंतजार रहेगा। ऐसा खेल दिखाएंगे कि लोगों की चीखें निकल जाएंगी। इसका मतलब है वाह वाह की चीख निकल जाएगी। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। अगर गिटार टूट जाता तो अंदर रखी गन दिख जाती यार। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें पता है ना, मैंने इसे बहुत संभाल कर रखा है। क्या कर रहे हो? बंद करो इसे, कोई देख ना ले। टोनी बॉस, आप कांप क्यों रहे हैं? क्योंकि मुझे डर लग रहा है। मेरा मतलब है मुझे ठंड लग रही है। सड़ा थकेला जोक है, टोनी बॉस डरपोक है। दोस्तों, जब तक नाश्ता आता है हम आपके सामने पेश करते हैं राग तोड़ ताड़। तालिया। कहना नहीं चाहती पर अंकल जो बजा रहे हैं उसे वन वर्ड में कहते हैं बेसुरा। ये म्यूजिक नहीं, जुल्म है। कुछ खा लेता हूँ। वाह वाह, मजा आ रहा है। सच में? नहीं, मगर कोई इतनी मेहनत से म्यूजिक बजा रहा है, अगर हम उसे बुरा कहेंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, है ना? वाह, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा वाह वाह है।
सच में? नहीं, बकवास। कहाँ से लाए हो ऐसा बकवास म्यूजिक? अगली बार ऐसे टॉर्चर करने की कोशिश की तो याद रखना, टोनी का मुक्का यानी हुड़ हुड़ हुक्का। याद तो अब तुम हमें रखोगे। अंकल, ये क्या कर रहे हैं आप? इस प्लेन को हाईजैक, यानी कि इस प्लेन पर कब्जा। अंकल, आपने गन उल्टी पकड़ी है। थैंक यू। योर वेलकम, यानी बहुत ही ज्यादा वेलकम। हाँ जाकर अंकल, मुक्के वाली बात का कहा सुना माफ करना, मैं तो एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा क्यूट सा टोनी हूँ। टोनी बॉस कुत्ते की दुम है, उनकी सिटी पिटी दुम है। सुनो, आप जो कर रहे हैं वो वेरी वेरी रॉन्ग है, आप प्लीज अपनी गन्स अंदर रख दीजिए। अच्छा, तुम्हें ये बंदूक देखकर डर नहीं लगता? राइट को कभी रॉन्ग से डर नहीं लगता। अरे ओह, देखा किको किक से तुम्हारा ये हाल हुआ है, अगर मेरा एक मुक्का पड़ता तो क्या हाल होता। अरे हमारी सेफ्टी के लिए दो दो फाइटर जेट्स भी आ गए। सिचुएशन अब हो गई सो एक्साइटिंग। एक बात बताऊं, तुम लोगों को ये सुनकर अच्छा तो नहीं लगेगा, पर बताना तो पड़ेगा ना, ये जो फाइटर जेट्स है ना, वो हमारे हैं। एक प्लेन में है कमांडर डमरू और दूसरे में है कमांडर ढोल की ढा। दोनों हमारे साथ हैं और ये जो कर सकते हैं ना, उसका नमूना देख लो। बच्चों को थोड़े हवाई करतब दिखाओ डमरू और ढोलकी। अगर अगले 10 सेकंड में किको ने हमारे गन्स हमें नहीं लौटाए तो डमरू और ढोलकी 11वें सेकंड में इस ब्रेन पर निशाना लगाएंगे। कहा सुना माफ करना अंकल। सुनो, आखिर तुम लोग इस प्लेन को हाईजैक क्यों कर रहे हो? हमारे लीडर बैंड मास्टर गोगो की जेल से रिहाई के लिए। लगाओ सन सिटी के मेयर का फोन। मैं सन सिटी का मेयर बोल रहा हूँ, मेरे रहते कोई भी प्लेन हाईजैक नहीं कर सकता। हाँ मेयर साहब, हमारी बात ध्यान से सुनो, हमारे पास गन्स हैं और साथ में दो फाइटर जेट्स भी। ईश, आपकी बात सुन के मेरी तो सिटी पिटी गुम हो गई है, डर लग रहा है। मैं अभी क्राइम मास्टर गोगो को यहाँ बुलवाता हूँ। हाँ गोगो जी, बैठे ना, खड़े क्यों हैं? अरे कोई हथकड़ी खोलो इनकी। नाम है मेरा बैंड मास्टर गोगो, मुझसे पंगा मत लो लो। अब हम क्या करेंगे? हमने कुछ भी करने की कोशिश की तो झुनझुना और टुनटुना हम सबको नुकसान पहुंचाएंगे, और डमरू और ढोलकी भी हमारे प्लेन को नुकसान पहुंचाएंगे। तुम सुपर स्पीडो से मदद क्यों नहीं मांगते? यहाँ जगह इतनी कम है कि सुपर स्पीडो को नहीं बुला सकते। मोरी मोरी मदर, तो क्या हम कुछ नहीं करेंगे? ऐसा किसने कहा? जहाँ किक नहीं चलती वहाँ ट्रिक चलानी चाहिए। सुनो, हम लोग कब तक ऐसे उड़ते रहेंगे? क्योंकि आपके बॉस को तो वो लोग छोड़ने नहीं वाले। ओहो, ऐसे कैसे नहीं छोड़ेंगे यार, तुम्हारे मेयर ने बोला है। मेयर अंकल तो झूठ बोलने के लिए पूरी सनसिटी में फेमस है,
वर्ल्ड फेमस है, यूनिवर्स फेमस है। ऐसे कैसे झूठ बोलेंगे, हम तो ये प्लेन उड़ा देंगे। प्लेन तो अपने आप ही उड़ रहा है। तुम फिर से बोले। कहा सुना, माफ करना अंकल। टोनी बॉस डरे हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं। अगर प्लेन उड़ा दिया तो फिर खुद भी उड़ जाओगे और बैंड मास्टर गोगो को कभी रिहा नहीं करा पाओगे। तो फिर क्या करें? अगर आपको बैंड मास्टर गोगो को छुड़वाना है तो मेयर को विश्वास दिलाना होगा कि आप लोग वाकई खतरनाक हो। मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? आप प्लेन से किसी को फेंक दीजिए, इससे वो लोग डर जाएंगे और जल्दी आपके बॉस को छोड़ देंगे और इसमें आपका नुकसान भी नहीं होगा। मुझे लग रहा है ये लड़का बात सही कर रहा है। क्यों भाई टुनटुना? हाँ भाई झुनझुना, पर फेंकना किसको है? जिसने आपको चैलेंज किया हो, जिससे आपको सबसे ज्यादा चिढ़ हो। इसको फेंक देते हैं, बहुत होशियारी दिखा रहा था। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं अब से अच्छा बच्चा बनूंगा, सबकी बात मानूंगा, सुबह उठ के दूध पीऊंगा। ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं आप। क्यों? जिस तरह आप इससे परेशान हैं, उस तरह सब इससे परेशान हैं। बहुत परेशान है। बहुत मतलब बहुत ज्यादा परेशान है। हरी हरी घास है, टोनी बॉस त्रास है। आप इसको फेंकेंगे तो मेयर अंकल खुश होके आपको मेडल दे देंगे। सनसिटी के लोग आपसे ऑटोग्राफ मांगेंगे, आपके साथ सेल्फी खिंचवाएंगे। तो फिर किसको फेंकें? तुमने इन्हें किक करके काबू में कर लिया था, अगर इन्होंने तुम्हें नीचे फेंक दिया तो सब बहुत डर जाएंगे। हाँ, फिर तो मेयर अंकल डर के इनके बॉस को जरूर छोड़ देंगे। अरे धीरे बोलो, कहीं इन लोगों ने सुन लिया तो ये मुझे नीचे फेंक देंगे और इनके बॉस तुरंत छूट जाएंगे। इसको फेंको। नहीं, अरे हमारे बिन फेंके ही ये कीको अपने आप उड़ गया। शायद डर के मारे खुद ही सरेंडर कर गया। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। सुपर स्पीडो, हम नीचे गिर रहे हैं, जल्दी से फॉर्मूला नंबर 804 लगाओ। ओके बड़ी, अप्लाई फॉर्मूला नंबर 804। सुपर स्पीडो, हमें सबसे पहले जाकर उन दो फाइटर जेट्स का सामना करना है जो हमारे प्लेन को घेरे हैं। पीछे का हिस्सा डैमेज हो गया है, हम नीचे गिर रहे हैं। ऑटो रिपेयर। कीको को कुछ हुआ तो नहीं ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, कीको रॉन्ग से लड़ने के लिए हमेशा वापस आया है। सुपर स्पीडो, इन्हें ज्यादा मौका नहीं देना है, फॉर्मूला नंबर 455 लगाओ। ओके बड़ी। रेडी सुपर स्पीडो, राइट 30 डिग्री, स्ट्रेट मूव लेफ्ट 20 डिग्री। अब क्या कीको? अब रुक जाओ सुपर स्पीडो, हमें उन्हें पास आने देना है। अब पता चलेगा हमसे टक्कर लेने का नतीजा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये तो हो चुका है झुंझुना भाई।
मैं हूँ जासूस, झटपट केस सुलझाओ फटाफट। लेकिन 26 का भाई अगर 36 है तो 38 की बहन कौन है? पहली मैं सही कहा सर, इस हाईजैक के केस में कोई लीड नहीं मिल रही। हम नीचे हैं और केस ऊपर। हाईजैकर्स कोई आसमान से थोड़ी ना टपकेंगे आपके सामने। आइए आइए गोगो भाई, आपका हेलीकॉप्टर आ गया है हेलीपैड पे। आपको जाते देख के दुख हो रहा है, क्या करें, बड़ा ही अपनापन सा हो गया था आपसे। किको और सुपर स्पीडो ने फाइटर जेट्स मार गिराए हैं। बड़ा आया बैंड मास्टर, मैं अपने ऑफिस से हिला भी नहीं और तेरे दोनों जेट्स गिरवा दिए। हा हा हा, लगाओ इसको हथकड़ी और डाल दो जेल में। पर सर, प्लेन के अंदर अभी भी दो लोग हैं गन्स के साथ। ईश, हाँ तो मैं कह रहा था कि सन सिटी के मेयर से टक्कर लेना अच्छे अच्छों के ही बस की बात नहीं है, बल्कि बुरे बुरों के भी बस की बात है। हा हा हा। आप बुरे हो गोगो भाई, तो आपके तो बस की बात है। मम्मी। सुन मेयर, अब चुपचाप मुझे हेलीकॉप्टर तक ले चल। मैं हूँ बैंड मास्टर गोगो, मुझसे पंगा मत लो। लो सुपर स्पीडो, थोड़ा नीचे रहना, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हम उनके करीब हैं। ओके बड़ी, मैं विंग्स के जस्ट नीचे रहूंगा। थैंक यू सुपर स्पीडो, अब हमें झुनझुना और टुनटुना से निपटना होगा। उसके लिए मुझे प्लेन के अंदर जाना होगा। क्या तुम उस प्लेन के कंट्रोल पैनल से कनेक्ट हो सकते हो? मेरे अंदर जाने के लिए दरवाजे का खुला होना बहुत जरूरी है। कनेक्शन एस्टैब्लिश पड़ी किको। एक्सीलेंट सुपर स्पीडो, अब जरा ऊपर उठ के दरवाजे के एकदम बगल में आ जाओ। दरवाजा खोल दो सुपर स्पीडो। एक बुरी खबर है, प्लेन के आगे का व्हील पूरी तरह जैम हो गया है। शायद जेट का कोई टुकड़ा आके लगा होगा। अब क्या होगा पायलट अंकल? मैं पूरी कोशिश करूंगा लैंड करने की, पर सामने वाले पहिए के बिना ये बहुत मुश्किल है। और हमें जल्दी लैंड करना होगा क्योंकि प्लेन का फ्यूल खत्म हो रहा है। हमारे पास तो पैराशूट्स है, हम तो जा रहे हैं। बाय 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 बाय। आपने तो हम दोनों को ही पकड़ा है, लेकिन अभी भी तुनतुना और झुनझुना ऊपर प्लेन में है। वाह जासूस झटपट, आपके सामने तो हाईजैकर्स अपने आप घुटने टेक देते हैं। आपने हमें तो पकड़ लिया, मगर उस प्लेन को क्रैश होने से कैसे बचाओगे जिसमें बच्चे हैं? जब तक चुंबक की बकबक से बक्सा का बाल बाका नहीं होता, तब तक नागा का भाई राका नहीं होगा। सर पहले में ये कह रहे हैं, जब तक कीको है तब तक एक भी बच्चे का बाल बाका नहीं हो सकता। शायद सुपर स्पीडो इसे रिपेयर कर सके, मुझे तुरंत उसके पास जाना होगा। सुपर स्पीडो बड़ी, प्लेन के सामने का पहिया खराब हो गया है, उसे ठीक करना होगा वरना प्लेन क्रैश हो जाएगा। पहिये को रिपेयर करने में तो बहुत टाइम लगेगा और टाइम कम है। जितना टाइम है उसी में हमें पूरी कोशिश करनी है। प्लेन काफी नीचे आ चुका है, और कितना टाइम लगेगा सुपर स्पीडो? इसके कुछ पार्ट्स रिप्लेस होना जरूरी है जो मेरे पास नहीं है। सब सर नीचे करके हाथों से घुटनों को पकड़ के बैठ जाएं। हम लैंड करने वाले हैं। 10, 9, 8, 7। सुपर स्पीडो, अब बस एक ही रास्ता है। Yeah!
क्यों रे बैंड मास्टर, अब क्या करेगा? तेरे सारे आदमी अब हमारे कब्जे में है। बड़ा आया हेलीकॉप्टर वाला, जेल में जाके अब बैंड बजा अपने झुंझुने तुनतुने ढोल की ढोलक और जो भी है उसके साथ। नालायक हो, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते तुम लोग। अरे क्या बॉस, आपको छुड़ाने के चक्कर में हम खुद ही फंस गए। तुम लोगों के बस का कुछ नहीं है, पर मैं एक बार बाहर आ गया तो फिर वापस अंदर नहीं जाऊंगा। नहीं बैंड मास्टर गोगो, तुम रॉन्ग हो और रॉन्ग को जेल ही जाना पड़ता है। Huh?